जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार दोस्तों, अभी एक एक्सीडेंट हुआ है और एक व्यक्ति हुआ है घायल और गंगा प्रसिद्धि के अस्पताल में कराया गया है उसे भर्ती और चल रहा है उनका इलाज। ये व्यक्ति है जो उनका हुआ है एक्सीडेंट और आइए मालूम करते हैं किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है। गंगा पुछड़ी के जिला अस्पताल में एक एक्सीडेंट का मामला आया है और अभी गंगा पुछड़ी के राजकीय चिकित्सालय में कराए गए हैं भर्ती और उनका चल रहा है इलाज और गंभीर अवस्था में है वो और जिला अस्पताल गंगा पुछड़ी में इनका चल रहा है इलाज। क्या नाम भैया आपका? जीतू। जीतू नाम है इनका। कहाँ के रहने वाले? मालवर मानपुर के रहने वाले हैं और जानकारी चाहेंगे के जो करिए। क्या नाम है इनका पूरा? इनका जीतू भैरव नाम है। इनके पिताजी कोर्ट में मुंशी है। ये अभी मजदूरी का कार्य करते हैं। अभी ये बेलदार करके अपने बाईपास तरफ से पैदल मानपुर की ओर आ रहे थे तो अवतार सिंह फिलिंग स्टेशन के सामने इनके अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। फिर वहाँ पर लोगों की मदद से 108 में इनको रखाया गया है। 108 रखने के बाद इनको राज्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बाईपास हुआ है सर, मानपुर अवतार सिंह फिलिंग स्टेशन के सामने एक्सीडेंट हुआ है और अज्ञात वाहन से हुआ सर। और कई जगह चोटें भी हैं? बिल्कुल, इनके यहाँ पे चोट है, हाथ में चोट है, हैंड भी है, घुटने पर चोट है और आंख में चोट है। और इस राजस्थान में बदतर हालत यह है कि जो डॉक्टरों की हड़ताल होने के बावजूद जिनकी अभी सीटी स्कैन होनी थी वो नहीं हो पाई। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा बच्चा अभी जिंदगी और मौत के बीच में है। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टरों से यहाँ बातें कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी सीटी स्कैन की व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। और गंगा पुछड़ी के जिला अस्पताल में अभी चल रहा है इलाज और अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए हैं। और मानपुर कहाँ के रहने वाले? मानपुर के वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1 आपके ही वार्ड के? बिल्कुल, मेरे वार्ड के सर ये। और आप पार्षद हैं उस वार्ड के? उस वार्ड का मैं पार्षद हूँ सर, मेरे वार्ड के हैं, मेरे वासी है, मेरा परिवार का बच्चा है। वार्ड और पार्षद आप लेके आए हैं? 108 एम्बुलेंस लेकर आई सर। 108 ने हमने पहुंचा तो उस टाइम 108 एम्बुलेंस आ गई थी, मैं भी पहुंच गया था मौके पे। 108 ने लाके और भर्ती कराया ने। और गंगा पुछड़ी के जिला अस्पताल में अज्ञात वाहन की टक्कर बताई जा रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर और ये पैदल चल रहे थे? जी सर, पैदल चल रहे थे और अज्ञात वाहन की टक्कर से हैं घायल और गंगा पुछड़ी के राजकीय चिकित्सालय में चल रहे हैं इलाज।